गाइस, दिस इज सोनल कौशल। वेलकम बैक टू माय चैनल द मोटर माउथ। अभी रिसेंटली वजाहत ने मुझे एक प्रैंक कॉल किया था और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, आप सब ने ही मुझे बोला कि अब मैं वजाहत के साथ प्रैंक कॉल करूं, which is I think a very good idea, और अब मैं वो करने वाली हूँ। So keep watching। सुनियो भैया, आपको शर्म नहीं आती? आप ना कोई पंजाबी कार्टून दिखाइए हमारे बच्चों को, बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं तो पूरा दिन बैठ के डोरेमोन ही देखती रहती हूँ। मैं 50 साल का आदमी हूँ, मेरे खुद 30 साल की तो बड़ी बेटी है। मैडम क्या बात कर रहे हो आप, पता नहीं कहाँ फोन मिला दिया आपने। अच्छा आप फोन रखिए, आपको बहुत ही हम्बल हो अंकल जी, तुम बहुत ही हम्बल हो। ये सुनियो, तुम थोड़े से पैसे तो दे ही सकते हो ना। दूसरों पर बहुत प्रैंक कॉल्स हो रही है ना आजकल। हेलो सुनियो भैया, सुनियो भैया, मैं ना आपकी तरह बनना चाहता हूँ बड़े होके। कौन बोल रहा है भैया? आप सुनियो बोल रहे हो ना? जियान का है। कौन बोल रहा है आपको? मैं रोहन बोल रहा हूँ। रोहन, मेरे फ्रेंड ने मेरे को आपका नंबर दिया था, बोला कि ये सुनियो का नंबर है, आप मुझे थोड़े से पैसे दोगे? सुनियो भैया, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं ना। रोहन आपको नंबर कहाँ से मिला, क्या नाम है आपके दोस्त का, नाम बताओगे एक बार? जैसे आपका जियान बेस्ट फ्रेंड है ना, वैसे मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है शशांक, उसने नंबर दिया था। शशांक के पास मेरा नंबर? ए किससे बात कर रहा है, कौन है? इधर दे मुझे फोन दे। हेलो कौन बोल रहा है? कहाँ से नंबर मिला आपको, आप फोन कहाँ से कर रहे हो मेरे बेटे को? मैडम क्या बात कर रहे हो आप, अपने बेटे से पूछिए ना, वो मेरे को फोन कर रहा है, मैंने उसको फोन नहीं किया। आपने फोन किया, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और ये सुनियो, सुनियो कौन है, ये कैसा नाम रखा है सुनियो? मैडम अपने बेटे को समझाइए आप, उस बच्चों को आपको इतने छोटे। देखो ऐसा है ना भाई साहब, हेलो आप मुझे मत बताइए कि मैं अपने बच्चे को क्या समझाऊं। आपने फोन किया, हेलो यहाँ पे डायल। अच्छा सुनिए, हाँ जी सुनिए, आप एक बार फोन के एक बार कॉल लॉग में जाइए, आपको दिख जाएगा कि फोन मैंने नहीं किया है, फोन आपके फोन से आया है। हाँ तो मैं वही देख रही हूँ, डायल्ड कॉल में है, तो आपने डायल किया ना मतलब। मैडम मैंने डायल नहीं किया, आपके फोन में दिक्कत है, कौन सा सड़ियल फोन ले रखा आपने? ये आप कैसे बात कर रहे हैं, आपको तमीज नहीं है बिल्कुल? ऐसे ऐसे बच्चों की वजह से ही ना हमारे बच्चे बिगड़ते हैं। ये जापानी कार्टून से बोल रहे हो ना आप, डोरेमोन? नहीं आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप ये जापानी कार्टून डोरेमोन में ये आवाज देते हो ना सुनियो को, मुझे सब पता है, देते हो ना आप? एक भाई साहब आप जरा शांत होके मेरी बात सुनिए, आपको शर्म नहीं आती? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है? मैडम मेरी बात सुनिए आप, आपको नंबर कहाँ से मिला है, क्यों ये फोन का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले आपका बेटा फोन कर दे रहा है, आप मुझ पे चढ़े जा रहे हो, ये तो कोई बात ही नहीं होती। नहीं, नहीं। आप सीधा सीधा बताइए भाई साहब, आप सुनिए सुनिए एक मिनट मेरी बात, आप सुनिए कि बाहर ना कोरोना चल रहा है, ठीक है? ये जो जो ये जो जापानी कार्टून है ना, ये जापानी और चीनी ना भाई भाई होते हैं, आप साथ में खड़ा कर देंगे ना, आप पहचान भी नहीं पाएंगे जापानी कौन है चीनी कौन। ये जापानी कार्टून दिखाना आप बंद कीजिए, आप ना कोई पंजाबी कार्टून दिखाइए हमारे बच्चों को। मैडम पंजाबी में आप कोई कार्टून बनाओ तो सही, आप बोल कहां से रहे हो आप? नहीं मैं कोई आपको कार्टून बनाने वाली दिखती हूँ, कार्टून बनाऊ मैं? कार्टून तो आप बनाते हो ना, उसको एनीमे बोलते हैं, कार्टून नहीं बोलते। एनीमे हो चाहे तनीमे हो, आप मेरी बात सुनो, कार्टून कोई असल में तो होता नहीं, आप कपड़े पहन के, आप सुनियो के कपड़े पहन के एक्टिंग करते हो, है कि नहीं? मैडम मैं आवाज देता हूँ। अच्छा आप हम लोग ये बात कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है? नहीं आप गाली दे रहे हैं भाई साहब, आप गाली दे रहे हैं, आपको शर्म वरम बिल्कुल नहीं आती? मैं कह रही हूँ आप लोगों की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप इंग्लिश में गाली देंगे, आपको क्या लगता है मेरे को समझ नहीं आएगा? मैडम फोन आप कर रहे हो, बेटे ने
आपका फोन लेके मुझे फोन कर दिया यहाँ पर, ऊपर से आप मुझ पे चढ़े जा रहे हैं। भाई साहब आप एक औरत से बात कर रहे हैं, एक शरीफ घर की औरत से, शरीफ औरत से आप बात कर रहे हैं, आप गाली दे दे के बात कर रहे हैं। नहीं मैंने अपने हस्बैंड को फोन दे दिया ना, वो एक मिनट में 1 करोड़ गालियाँ आपको दे देंगे पंजाबी में, आपको समझ में भी नहीं आने लगता। इस कॉल से पहले तक मैं भी बहुत शरीफ था, आपकी आवाज़ सुन के मेरी शराफत पता नहीं कहाँ तेल लेने चली गई है। आप बात करना बंद कीजिए, बहुत हो गया। आप मतलब मुझे क्या बेमतलब में आप फोन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। नहीं नहीं आपको, आप मेरे को ये बताओ आपको नंबर कहाँ से मिला है मेरा? आप मेरे बच्चे के बहाने आप मेरे को छेड़ रहे हैं, मैं सब समझ रही हूँ। ये आपकी तरह जो लोग होते हैं ना, ये बाइक पे बच्चे भी उठा लेते हैं, आप यही काम करते हो, मुझे सब पता चल रहा है, आपकी आवाज से ही पता चल रहा है मुझे। मैडम ऐसा मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, आप या तो फोन रख दें या फिर आपके घर में अगर कोई आदमी है, कोई मर्द है तो मेरी उससे बात कराएं, मैं आपसे क्या बात करूं, आपको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। आप यही कहे जा रहे हैं कि मैंने फोन किया, मैं आपको कितनी बार बता एक बात बताओ बेटा जी, सुनो मेरी बात, आप कितने साल के हो? रिश्ता भेजने की बात कहाँ से आ गई आपको? शर्म, बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको? तीसरी बार पूछ रही हूँ एक ही कॉल में। अच्छा सुनो मेरी बात, नहीं 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 आप मेरी बात सुनो ठीक है। देखो ऐसा है ना कि डोरेमोन शो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं तो पूरा दिन बैठ के डोरेमोन ही देखती रहती हूँ। लेकिन ये जो आपका जो करेक्टर है ना सुनियो, ये बहुत ही शैतान है, है इतना आप नहीं मतलब सुनियो तो मतलब आप ही हो ना सुनियो तो। नहीं 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 सुनो मैं, देखो जी पाजी मैं तुहानू यह गल कह रही हाँ, पहले मैनू लग रहा सी तुसी एक छोटे न्याणे हो, बच्चे हो, मतलब ओ सॉरी मैं पंजाबी में मैं ना मैं एकदम इन टू द फ्लो में बह जाती हाँ, पर मैं कह रही सी पहले मेरे को लग रहा था आप छोटे बच्चे हो, पर मुझे लग रहा है आप तो बड़े हो, आवाज़ से अब बड़े लग रहे हो। तो अंकल जी देखिए, अंकल जी देखिए मैनू लगता है, अरे अभी तो आप, अभी तो आपने कहा कि आप 50 साल के हो, तो आप भी तो कौन से 16 साल की कच्ची कली हो, आप भी तो हो एक बच्चे की माँ, आप भी तो होगी 30-35 की। अच्छा सुनो मैं तुहानू ए कह रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि सुनियो के पास है ना बहुत पैसा है, मतलब आपके पास बहुत पैसा है। अरे आप, मेरे पास नहीं है, मैं मजदूर हूँ, मनरेगा का मजदूर हूँ मैं, साल में सिर्फ 100 दिन का काम है अब तो। बहुत ही हम्बल हो अंकल जी, तुसी बहुत ही हम्बल हो। वैसे ना मैं ए कह रही हूँ, मैनू पता है, मतलब मेरे को पता है आप बहुत, मतलब आगे बहुत पैसा है, बहुत गाड़ियाँ बंगले ये वो तुहाडे पापा पता नहीं की करते, पर थोड़े जे पैसे अगर तुसी सानू दे सको तो। मैडम ये कोई मजाक चल रहा है क्या, ये हो क्या रहा है? हेलो मैं फोन, मैं ना आई रिस्पेक्ट वुमेन, मैं फोन काटना नहीं चाहता। नहीं अगर आप इतनी रिस्पेक्ट करते हो तो थोड़े बहुत पैसे तो इधर उधर, मतलब आप तो जेब झाड़ोगे तो इधर उधर पैसे निकल ही आएंगे पाजी। मैडम ये क्या मजाक चल रहा है, आप पैसे मांगने के लिए फोन कर रहे हो, ये क्या वो कह रहे हैं? अरे सुनियो तुम थोड़े से पैसे तो दे ही सकते हो ना, क्या हुआ? कैसा लगा बेटा, बहुत दूसरों पर दूसरे पर बहुत प्रैंक कॉल्स हो रही है ना आजकल यार, ये तो कोई बात ही नहीं हुई यार, आप आउट ऑफ द ब्लू, मैं कह रहा हूँ मैंने कहीं पे सोशल मीडिया पर यहाँ वहाँ कहीं अपना नंबर नहीं दे रखा, आउट ऑफ द ब्लू मेरे पास एक बच्चे का फोन आ रहा है यार, हद कर दिया आपने तो यार इतना स्वीट बच्चा, इतना स्वीट बच्चा, उसकी कितनी स्वीट मम्मी, उसको कैसे, मतलब आप कैसे बात कर रहे हो इतने गुस्से में, व्हाट इज दिस यार? मैं गुस्से में बात बस जस्ट फॉर फन सोचे जा रहा हूँ, कुछ एक सवाल दिमाग में बस घूमे जा रहे हैं यार, एक तो मेरा नंबर कहाँ से आया, ऊपर से लेडी मेरे पे चढ़े जा रही है, आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात मुझे भी ऐसे ही लगा था जब आपने मुझे कॉल किया था। ठीक है तुम तो बहुत अच्छे हो ना। मैं अच्छा था लेकिन अब मैं अच्छा बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम मुझे गैजेट कभी भी पहले नहीं देते हो, हमेशा नोबिता के पास से झूठा झूठा गैजेट मेरे पास आता है। बेटा जी इतना सारा टाइम देने के लिए थैंक यू है, ठीक है ना? बस यार इस टोन में मैं बात ही नहीं करती, ये पंजाबन टोन में मैंने आपसे कभी बात ही नहीं करती।
अरे सुनियो भैया, सुनियो भैया, मुझसे तो बात कर सकते हो ना, मुझे आपकी तरह बनना है भैया। भाई गाइस, बहुत कम लोगों को पता है कि जब मैंने और वजाहत ने डोरेमोन की डबिंग शुरू की थी, तब हम दोनों ही छोटे छोटे बच्चे थे। मैं ज़्यादा छोटी थी और वजाहत यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ सीरीज, अ लॉट ऑफ वॉइसेस, एंड इट वॉज सो मच फन। क्या पता अब इस कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर ही मैं एक्ट करूंगी। मेरे फैंस जो कहते हैं मैं उसे ज़रूर फॉलो करती हूँ, तो अगर वो कहेंगे कि प्रैंक कॉल कंटिन्यू करो तो आई हैव टू डू इट। हाँ चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर। तो गाइज हो गई फाइनली प्रैंक कॉल। मैं एक बात बताऊँ, मुझे इतना डर लग रहा था, डर इसलिए लग रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे हंसी आ जाएगी बीच में और मैं खुद का ही भांडा फोड़ दूंगी। और मुझे कुछ कुछ मोमेंट्स थे जब मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी, बट इट वॉज सक्सेसफुल, बदला ले लिया गया है। ऑल द डोरेमोन फैंस नीचे कॉमेंट कर दो #। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी किसी के साथ प्रैंक कॉल करूँ तो लिख दो कॉमेंट सेक्शन में और देखते हैं वी कैन डू इट। So if you like the video, please hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel, The Motor Mouth. Bye! Pyar you!